आखिरी जो किताब आपकी, आखिरी जो अभी आई है, ये आखिरी किताब नहीं, और भी आप लिखेंगे होपफुली, द रिलक्टेंट रिपब्लिक जी, एक उसकी शायद प्रेमिस ये भी है उसमें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि खालिद अहमद साहब ने वो किया था एक प्रोग्राम बहुत साल पहले, जिसमें बहुत से लोगों से पूछा भाई आप पहले पाकिस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं, बिल्कुल, तो तकरीबन 70% ने कहा कि हम पहले मुसलमान हैं जी बिल्कुल, जबकि किसी और अरब स्टेट में या मुस्लिम स्टेट में आप जाएं तो वहां पे पहले वो तुर्की तुर्क हैं या मिस्री हैं या सऊदी, पहले सऊदी बाद में है जो है. So what is your analysis on this? What's wrong with us? और जो 30% कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, वो पहले अपने आप को ओन करता है पाकिस्तान. हमने पहले, हम चूंकि किला है इस्लाम का, असल में तो हमें वो बन गए थे बाद में, डिसाइड किया चलो किला बन, और यूट्यूब से हमें खतरा है, हमें यूट्यूब पे कुछ आ जाए तो हम इसको बंद कर देते हैं. बिल्कुल. So what's going on here? What do you think is going on? वही वाली बात है कि ऑन द सर्फेस पाकिस्तान में कोई बोले आई एम अ मुस्लिम फर्स्ट तो बड़ा नेचुरल चीज़ है ना, बट देखें आप एक नेशन स्टेट में हैं जो आपने कार्व आउट किया थ्रू पार्टीशन पाकिस्तान में, अगर आप मुस्लिम फर्स्ट हैं तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं, तो फिर आप पाकिस्तान नाम बनाते क्यों बनाए पाकिस्तान आप, एक अजीब सी है ना. और शुरू के पैसे 20 साल तक आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में देयर वर एज मेनी मुस्लिम्स इन इंडिया एज देयर वर इन पाकिस्तान, तो ये तो रही ना डायकॉट, और सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस तो नॉन मुस्लिम्स के पास भी थी उस कैबिनेट में और अदालत में और यहाँ. तो सवाल यही है कि तो मेरे के अंदर हमेशा, जैसे कि आपने खालिद अहमद वाली बात की, तो उससे आइडिया मुझे आया कि यार मुझे लगता है कि यहाँ एक रिलक्टेंस है कॉल योर सेल्फ अ पाकिस्तान, हमेशा सेकेंडरी आता है कि आप कौन है मुसलमान फिर पाकिस्तानी, ठीक है, जबकि आप जैसे सही कहा तुमने, मैंने भी देखा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में पहले वो अपने आप को इजिप्शियन कहते हैं, फिर कोई अपने आप को ट्यूनिशियन कहते हैं, वी स्टिल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नेशन स्टेट्स इनहेरेंटली इज अ सेक्युलर आइडिया, ठीक है ना. इसका मतलब नहीं है कि अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं तो आप सेक्युलर हो गए हैं, नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं है अगर आप पाकिस्तानी कह रहे हैं आप कम मुसलमान हो गए हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं तो मसला है कि देर इज नो कंसेंसस फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तानी है कौन. मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी शुड बी अबाउट a multi-ethnic, multi-religious, multi-cultural society which is linked to an integrated economy. वो सब उस economy को serve कर रहे हैं और economy उसको serve कर रही है, बाकी अपनी ज़िंदगी रह रहे हैं जिस तरह वो worship करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्ला, नहीं करना चाहते वो भी उनको कर रहे हैं, as long as they benefiting the state, benefiting the republic and the nation.